Z5 ऐप डाउनलोड करो ते देखो पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। डॉक्टर ईशान, डॉक्टर ईशान, गाल सुनो। डॉक्टर ईशान, डॉक्टर ईशान, डॉक्टर ईशान, गाल सुनो। डॉक्टर ईशान, मेरी गाल सुनो। डॉक्टर ईशान, हद है। मेरी इतनी बार आवाज लाऊं तो बाद में सुन क्यों नहीं रहे? सुनना तो दूर है तो पीछे मुड़ के भी नहीं देख रहे। लगता है फिर किसी गल नूं लेके नाराज हो गए ने। डॉक्टर सड़ियल, डॉक्टर ईशान, तुसी मेरे नाल नाराज हो? नाराज? मैं तेरे नाल नाराज क्यों होवांगा? नाले तू हाफ क्यों रही है? मैं पिछले आधे घंटे तो तुहाडे पीछे आ रही हां, पर तुसी रुक ही नहीं रहे। सो मैं तुहाडे पीछे पीछे आ रही सी ते तुहानू आवाज़ ला रही सी, इसलिए मैं और तेज भज्जी ते तुहानू फड़ लिया। वैसे जे तुसी नाराज नहीं सी तां रुके क्यों नहीं? क्योंकि मैं एयरबड्स लाए हुए सी। ओ, मैं सोचा डॉक्टर सड़ियल हुन पता नहीं केड़ी गल तो नाराज हो गए ने। हैं? डॉक्टर सड़ियल, वैसे मेरे नाराज होने नाल किसी नूं कोई फर्क पैंदा? मैनू बहुत प्यास लगी है। अच्छा, मैं तुहाडे नाल एक गल करनी सी। गल तां वैसे राती करनी सी, पर उस तो पहले तुसी सो गए, फिर सारा दिन तुसी हॉस्पिटल चले जांदे हो। सो मैं सोचिया मॉर्निंग वॉक ते तुहाडे नाल गल कर लांगी। वॉक भी हो जाएगी ते ऐसे बहाने थोड़े नाल गल भी हो जाएगी। सो मिस पक्ति दी शक्ति, एहो जी केड़ी गल सी जिदे करके तू अपनी सवेर दी पूजा मिस करती? कोई भी गल मां काली दी पूजा तो वध के नहीं है, ऐसे लई मैं ब्रह्म मुहूर्त विच ही मां काली दी पूजा कर ली सी। सो शूट शूट किन्नू शूट करना है? मेरा मतलब है तू जेड़ी गल करनी सी करना। ओ अच्छा, मैं तुहाडे नाल काव्य दे हाथ बारे गल करनी सी। ओदे हाथ बारे की गल करनी सी? बचपन च काव्य दा एक एक्सीडेंट हो गया सी, ओ तो बाद सब दी लाइफ चेंज हो गई। सब दी आई मीन काव्य दी ते ओदे नाल नाल सब दी, क्योंकि वो घर च सब तो छोटी है ते छोटी होने के नाते सब दी लाडली भी, ते उस एक्सीडेंट तो बाद उस दर्द नूं पूरी फैमिली शेयर कर रही। मैं समझ सकती हूँ डॉक्टर ईशान। सब समझ ही सकते हैं पर कोई कुछ कर नहीं सकता। एनीवेज मैं हॉस्पिटल नहीं लेट हो रहे। डॉक्टर ईशान, एक मिनट। डॉक्टर ईशान, तुहाडे वर्गे इन्ने डेडिकेटेड डॉक्टर जिन्हें बिना किसी इंस्ट्रूमेंट्स तो मेरे भरा का इन्ना वड्डा ऑपरेशन किया, पूरी रात जाग के सारे बच्चों का इलाज किया, फिर इदा की क्या गल है कि तुसी अपनी भैन का इलाज नहीं कर पा रहे? शिविका, इनफ ऑफ दिस टॉपिक, चल कर चल। डॉक्टर ईशान, मेरी गल सुनो। मैं काव्य का हाथ वेखे है, आयुर्वेदिक दवाइयां दी वरतों ही सही, पर मैं बीमारियां बारे पढ़िया है ते मैनू पूरा यकीन है कि काव्या दे हाथ दी बीमारी जरूर ठीक हो सकती है। वैसे मैं तुहानू की दस रही हां
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਡਾਕਟਰ ਹੋ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਵਿਆ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਆਖਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਾਨ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਕਾਵਿਆ ਦਾ ਹੱਥ ਅੱਜ ਤੱਕ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵਿਕਾ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਐਫਰਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਵਿਆ ਦਾ ਹੱਥ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਿਵਿਕਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਡੋਂਟ ਫੋਰਸ ਮੀ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਾਨ, ਸ਼ਿਵਿਕਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਨੋ ਮੋਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਾਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਮੈਂ ਵਾਕ ਤੇ ਆਈ ਗਈ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨੌਨਸੈਂਸ ਟਾਕ ਲੈਣੀ, ਵਾਕ ਲਈ ਆਇਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਓਹੋ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਾਨ, ਹੌਲੀ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਾਨ, ਹੌਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਾਨ ਭੱਜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਾਨ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਥੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਿਵਿਕਾ, ਸ਼ਿਵਿਕਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਈ? ਨੋਟ ਅਗੇਨ। ਦਿਵਿਆਨਾ ਮਾਂ, ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਕੁਛ ਤੇ ਖਾ ਲਓ। ਆ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰੇਟ ਨਮਕ ਜਵੈਣ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਲਓ ਆ ਲਓ ਖਾਓ। ਨਹੀਂ, ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖਾਣਾ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਦਿਵਿਆਨਾ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ਼ਾਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਘਬਰਾਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਦਿਵਿਆਨਾ ਮਾਂ ਆ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। Z5 ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਤੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ।